नमस्कार दोस्तों और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी न्यूज़ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको एक ही जरूरत होती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अब इंडियन प्रीमियर लीग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 29 मार्च से IPL का 13वां सीजन शुरू होना है। IPL 2020 का उद्घाटन मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। कर्नाटका के एक चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बेंगलोर में IPL मैचों के आयोजन से इनकार कर दिया है। बेंगलोर में स्थित एम चिन्नस्वामी स्टेडियम विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का होम ग्राउंड भी है। कर्नाटका सरकार ने मोदी सरकार को खत भी लिखा है। बता दें कि हाल ही में बेंगलोर में भी कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के खतरे के कारण कर्नाटका सरकार ने बेंगलोर में IPL मैच के आयोजन में असमर्थता जताई है। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान दिया कि IPL के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। कोरोना वायरस के मद्देनजर भीड़ के इकट्ठा होने से बचाने के लिए सरकार IPL जैसे बड़े इवेंट को टालने का विचार कर रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि IPL को पहले से ही रद्द किया जा रहा है। लोगों की जिंदगी अनमोल है, भीड़भाड़ वाली जगहों पर वायरस फैलने का खतरा बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम IPL को टालने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, हमने इसके बारे में राय मांगी है। इसके बाद सौरव गांगुली ने जवाब देते हुए कहा कि IPL पोस्टपोन नहीं होगा और अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चेन्नई में एक वकील ने मद्रास हाई कोर्ट को IPL मैच चेन्नई में बंद करने के लिए कहा है। मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र से BCCI को 29 मार्च से 24 मई तक IPL मैच कराने की अपनी योजना पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।